जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान के नाम की महिमा। भगवान के सन्मुख होते ही जीव के कोटि कोटि जन्मों के पाप पुंज क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। भगवान की कितनी दया है जीव पर। उन्होंने एक नहीं, अनेक सहस्त्र सहस्त्र नाम धारण किए, उनमें अपनी सारी की सारी शक्ति अर्पित कर दी और उन नामों के स्मरण के लिए कोई समय का बंधन भी नहीं रखा। सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान के नामों को याद किया जा सकता है और भगवान का नाम लिया जा सकता है। उन दीन बंधु की तो इतनी दया है, ऐसा अनुग्रह है, किंतु हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि भगवान के नाम में अनुराग ही नहीं हुआ। भगवान के नाम रूप लीला और धाम सब एक हैं, एक जैसी महिमा वाले हैं। उपनिषद में एक प्रश्न है, भगवान वह परमात्मा किसमें प्रतिष्ठित है? इसका उत्तर दिया गया है, अपनी ही महिमा में। इससे सिद्ध है कि भगवान का धाम भी भगवान से भिन्न नहीं है। इससे सिद्ध है कि भगवान का धाम भी भगवान से भिन्न नहीं है। रूप और नाम तो अभिन्न है ही, उनका नाम रूप लीला या धाम नित्य हैं, चिन्मय आनंद स्वरूप हैं, वहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है। अतः इनमें से किसी का भी कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। फिर भी नाम का कीर्तन अधिक सरल और सुगम है। संतों ने नाम को नामी से भी बढ़कर बताया है, साक्षात भगवान ने दर्शन देकर कतिपय पापियों का ही उद्धार किया होगा, परंतु उनके नाम से असंख्य पापियों का समुद्धार संभव हुआ है। कलयुग में तो संसार सागर से पार उतरने के लिए एकमात्र भगवान का नाम ही सुदृढ़ नौका है, अन्यथा कोई गति नहीं है। भगवान के सभी नाम उन्हीं की भांति चिन्मय हैं, भक्त वांछा कल्प तरु हैं, अतएव उनकी महिमा उनकी शक्ति अनंत है। तांत्रिक विचारधारा के अनुसार परम शिव परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निष्फल है, निष्कल है, और सगुण सकल है। सकल परमेश्वर से शक्ति का, शक्ति से नाद का और नाद से बिंदु का प्राकट्य होता है। इस बिंदु से पुनः बिंदु, नाद और बीज प्रकट होते हैं। ये बिंदु के ही त्रिविध भेद हैं। बिंदु शिव रूप है और बीज शक्ति रूप। इन दोनों का समवाय नाद है। इनसे रौद्री आदि शक्तियां प्रकट होती हैं, जो रुद्र आदि की जननी हैं। भिद्यमान बिंदु से जो नाद प्रकट होता है, वही शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म क्या है, इस विषय में विद्वानों का मतभेद है। कोई आंतर स्फोट को शब्द ब्रह्म मानता है, कोई बाह्य स्फोट को। परंतु तांत्रिक आचार्य संपूर्ण प्राणियों के भीतर व्याप्त चैतन्य को ही शब्द ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। चैतन्य रूपिणी नादात्मिका शक्ति ही कुंडलिनी रूप होकर वर्णों के रूप में अभिव्यक्त होती है। वही मूलाधार में परा, हृदय में पश्यंती, बुद्धि में मध्यमा और वाग इंद्रियों में वैखरी वाणी है। अकार आदि समस्त वर्ण तथा वेदों का आदि बीज प्रणव उसी का स्वरूप है। वही बीज और मंत्र हैं, वेदादि शास्त्र भी वही हैं, उसी की शब्द ब्रह्म संज्ञा है। इस विवेचन से सिद्ध है कि अक्षर नाम मंत्र और वेदादि शास्त्र चैतन्य शक्ति से अनुस्यूत हैं। शाप आदि के कारण जिन मंत्रों की चैतन्य शक्ति सुप्त या मूर्छित है, उनमें उस चैतन्य को जागृत करने के लिए शापोद्धार या उत्कीलन आदि की क्रियाएं की जाती हैं। कहीं कहीं शक्ति बीज का पुट दिया जाता है। चैतन्यमय होने से भगवान नामों की शक्ति अनिर्वचनीय कही गई है। अतः कल्याणकामी साधकों को सदा ही
भगवान के नामों का स्मरण एवं कीर्तन करना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों का भगवान नाम की महिमा पर विश्वास नहीं जमता, उनके मन में संशय उठते रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान नाम कौमुदी का अध्ययन करना चाहिए। इसमें नाम कीर्तन की महिमा का बड़ी प्रौढ़ता के साथ सब प्रमाण प्रतिपादन किया गया है। शास्त्रार्थ की शैली से पूर्व पक्ष की उद्भावना करके सभी तरह की शंकाओं का निराकरण किया गया है। उत्तम युक्तियों और प्रबल प्रमाणों द्वारा जोरदार शब्दों में इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान नामों की महिमा अमित, अगाध और अनंत है। नाम कीर्तन से न केवल पापों का क्षय मात्र होता है, अपितु वासना और प्रारब्ध का भी नाश होकर परम पुरुषार्थ मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है। कलयुग में तो नाम जापक भक्तों की भरमार है। वो स्वामी तुलसीदास जी, नामदेव जी, मीराबाई जी, कली में तो केवल नाम जप ही एकमात्र साधन है। कली काल में सब विधियों के बिना ही केवल नाम जप से कल्याण हो जाने वाला है। उच्चारणहीनता, लक्ष्यहीनता, मन मलिनता, विधिहीनता कितनी ही हो कोई बात नहीं। कैसे हूँ पामर पात की जो लई नाम की ओट, गांठी बांध्यो राम सो परख्यो न फिरी खर खोट। एक बार कृष्ण भगवान भागे जाते थे, यशोदा जी पीछा कर रही थी। नहीं पकड़े जाएं, तब सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की शपथ माने दी, किंतु भगवान नहीं ठहरे। फिर कलयुग के भक्तों की शपथ दी तो रुक गए। पूछने पर कहा कि कलयुग के भक्त मुझे अति प्यारे हैं, क्योंकि वे नाम जापक हैं। उनकी शपथ मान ली। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थरों में से कमल का फूल उग गया, तो वह सही बात है, संभव है। अतः विधिवत या अविधिवत, जैसे कैसे हो, नाम जप स्वभाव हो जाना चाहिए। जय श्री राधे।